नमस्कार दोस्तों, आधार स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आधार स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो 10 मिनट में 20 क्वेश्चन का डेली सेशन प्रारंभ किया है, ये उसका तीसरा सेशन है, तीसरा भाग है। दो सेशन हम पहले कर चुके हैं। दोस्तों, इन सेशन में हम 8 से 10 मिनट में 20 से क्वेश्चन तैयार करते हैं जो राजस्थान जीके से संबंधित होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये होते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये जो सेशन है ये आप लोगों को एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों, हम आज का सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं राजस्थान का इतिहास, मतलब राजस्थान के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन लेके आया हूँ। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इनमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया था, वह कौन है? तो वो है नागभट्ट प्रथम। ध्यान रखना कौन है दोस्तों, नागभट्ट प्रथम। अगला क्वेश्चन है, पन्ना धाई ने किसके जीवन को बचाया था? तो किसके जीवन को बचाया था, आप लोगों को सबको पता होगा, उदय सिंह को बचाया था, अपने पुत्र की आहुति देकर उदय सिंह को बचाया था। नेक्स्ट है, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया, मतलब खिलजी सुल्तान सबसे पहले किस खिलजी सुल्तान ने रणथंभौर पर आक्रमण किया? तो वो है जलालुद्दीन खिलजी। कौन है दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है कि दौसा जिले का वह स्थान जो राजपूतों और मराठों के बीच हुई लड़ाई के कारण प्रसिद्ध रहा है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है तुंगा। ध्यान रखना, ये तुंगा कहां पर है, दौसा जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी, जो स्वतंत्रता आंदोलन चला था राजस्थान में, उसमें गिरफ्तार होने वाली पहली महिला, ध्यान रखना पहली महिला कौन थी? तो यह है अंजना देवी चौधरी। ध्यान रखना दोस्तों, इसका नाम अंजना देवी चौधरी। अगला क्वेश्चन है अपना कि 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था, मतलब इस क्रांति में जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए अंग्रेज और जोधपुर राज्य ने एक संयुक्त सेना भेजी थी, और इसको पराजित किसने किया था, तो ठाकुर कुशाल सिंह ने इसको पराजित किया था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस स्थान पर सवाई जयसिंह ने वैद्यशाला का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों, ये स्थान है मथुरा। अब आपको मैं अतिरिक्त जानकारी ये देता हूँ कि सवाई जयसिंह ने केवल एक वैद्यशाला नहीं बनाई थी, इसने पांच वैद्यशालाओं का निर्माण करवाया था। और ये पांच वैद्यशालाएं कहाँ कहाँ है, तो एक तो है दिल्ली में, कहाँ है दोस्तों, दिल्ली, ठीक है, एक है वाराणसी में, एक है उज्जैन में, ठीक है, एक है जयपुर में, और एक कहाँ है, मथुरा में। इस प्रकार से पांच वैद्यशालाएं, वैद्यशाला क्या होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जंतर मंतर, क्या कहते हैं दोस्तों, जंतर मंतर भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, सवाई जयसिंह द्वितीय ने इन पांच वैद्यशालाओं का निर्माण करवाया था। अपना अगला क्वेश्चन है, संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त हुई थी, तो जो महाराणा कुंभा थे उनको संगीत का बहुत अच्छा ज्ञान था, जिसके कारण एक उनको उपाधि दी गई थी, और वो उपाधि थी अभिनव भट्टाचार्य। ध्यान रखना, अभिनव भट्टाचार्य। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? महाराणा प्रताप के बारे में कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आज का अपना जो क्वेश्चन है वो है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म कुंभलगढ़ में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखना, मानगढ़ के बारे में पूछा गया है, ये कहाँ पर है, ये बांसवाड़ा में है। अपना अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन, ध्यान रखना बहुत ज्यादा फेमस आंदोलन है ये, चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ था? तो ये चिपको आंदोलन जो है वो मारवाड़ रियासत में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित है, मतलब जो अलाउद्दीन खिलजी है उनका विजयों का काल क्रमानुसार सीक्वेंस क्या है? तो ये है रणथंभौर, फिर है चित्तौड़गढ़, फिर है सिवाना, और फिर है जालौर। मतलब इसकी चार, जो राजस्थान में चार विजय हैं उनमें पहला है
रणथंभौर, दूसरा है चित्तौड़गढ़, फिर है सिवाना और फिर है जालौर। ये क्रम आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि इस क्रम के बारे में अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे। जो कृषक आंदोलन हुए थे उनमें साधु सीताराम दास का संबंध किससे था, तो यह है बिजोलिया कृषक आंदोलन से। ध्यान रखना कौन सा आंदोलन, बिजोलिया कृषक आंदोलन से। नेक्स्ट है दोस्तों, जयपुर शहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था, यह आप लोगों को लगभग सभी को पता होगा। ये कब हुआ था, ये निर्माण जो हुआ था वो 1727 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1727 ईस्वी में। तो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है कि जयपुर नगर के वास्तुकार थे, तो जयपुर नगर के वास्तुकार कौन थे, विद्याधर। ये नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। अगला क्वेश्चन है कि झुंझुनू के संस्थापक कौन थे, जो झुंझुनू जो जिला है उसमें जो झुंझुनू नगर है उसका संस्थापक कौन है, तो इनके संस्थापक है मोहम्मद खां। आप लोगों को ये नाम ध्यान रखना है, कौन है, मोहम्मद खां। अगला क्वेश्चन है अलवर की स्थापना किसने की, अलवर जिला जो है उसकी स्थापना किसने की है, तो इसका सही आंसर है राव प्रताप सिंह ने। किसने की है दोस्तों, राव प्रताप सिंह ने। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश काल में पहली नगर पालिका का स्थापन कब हुआ था, मतलब कब पहली नगरपालिका स्थापित की गई थी, वो भी कब, ब्रिटिश काल में, तो इसका आंसर है आबू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की थी। इसके बारे में कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है चीनी यात्रियों से संबंधित, तो भीनमाल की यात्रा किसने की थी, तो इसका सही आंसर है हेनसांग ने। तो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है रानी पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी, तो इसका सही आंसर है राणा रतन सिंह की। ये बहुत ही चर्चा में रहा हुआ विषय है। तो दोस्तों आज के सेशन के हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को इन क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आपको अगर इस सेशन में कोई और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो। और अगर आप किसी विशेष टॉपिक पर ऐसा सेशन चाहते हो तो वो भी आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।